ये कोटा कैफ़े पर हम लोग आए हुए हैं, कोटा कैफ़े रावलपिंडी। ये इनकी है दाल फ्राई और ये रोटी, साथ में यासिर भाई नैयर भाई फ्रॉम बखर, बिग बी और बॉस। कैसा है जी खाना, टेस्ट कैसे है बिग बी? बहुत अच्छा टेस्ट है, टमाटर ज़्यादा डाल दी, टमाटर वाकई में ज़्यादा है क्योंकि हमने आई थिंक सो फ्राई बोला है तो इस वजह से कुछ ज़्यादा क्वांटिटी होगी टमाटर की। रोटी भी ठंडी है, रोटी भी ठंडी है यार। टेस्ट कैसा है? ज़बरदस्त अखीर है। हाँ। और क्या चीज़ ऑर्डर की थी हमने? और हमने करेले, करेले चिकन करेला। हाँ हाँ भाव वो खत्म हो गए। आप क्या कहना चाहेंगे यासिर भाई? पहले एक बार रोटी खाई है। अच्छा, तुम्हारे इनके साथ भी खाऊंगा, उम्मीद है। हाँ, इनसे ज़्यादा ही खाऊंगा। आसिफ भाई आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में खाने के, कोटा, इस कोटा के टेस्ट का? कोटा का टेस्ट अच्छा है यार, लेकिन अभी जो हम खा के आए हैं ना चीज़, उसके आगे कोटा का टेस्ट कुछ भी नहीं। अभी क्या खाया आपने? दलमाश की खीर? दलमाश का हलवा खाया आपने? ये बाकी दुनिया बच के पूरे पाकिस्तान चो किधरों नहीं मिलन लगे। जरा कोई फॉरन डेलीगेशन आवे होटल की खुशियात है, जरा कोई फॉरन डेलीगेशन आता है उन्हें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तो इतो दाल जाती है। मतलब ऐसी दाल आपको कहीं नहीं मिलेगी अल्हम्दुलिल्लाह। नाइस। मैं तो नोट किया है बंदा जो बैठा है। हाँ। एक खब्बे हाथ ना खा रहे रोटी। खब्बे हाथ नाल सर कलम कर दो। ये बंदा हर चीज खब्बे हाथ नाल कर दे। वो उसे आप समझता। सजा नहीं वो सजा। बता। एक उठा ये मैं उल्टा होने लगा। मुश्किल टाइम पे भी नहीं काम करता, उस टाइम धोने का काम करते थे। बिग बी ये भकुरा ना बंदा बहुत तेज है, बहुत तेज है। माने तो डरता है और याद है कि मैं मतलब रियायत करें ना तो मैं कोई आदमी विचार टिकट करा मैं कुछ भी नहीं लगता हूँ। बासठ पे कहते चलो टिकट करा और जाओ वापस। ये असल में सही डर गए यासिर भाई से। नहीं कर पा रहा, मुझे रोकना पड़ता है अपना। गैस में बहुत सिंपल से बनना रोटी देना भाई। जी मेरे बॉस हैं साहब माशाल्लाह बहुत अच्छे बंदे हैं, बहुत खिदमत कर रहे हैं, तो ऐसा तो खाने खिला रहे जो मैंने बकर में कभी नहीं खाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। थैंक यू सो मच राशिद भाई, थैंक यू सो मच यासिर भाई, थैंक यू सो मच। एंड बिग बी ये इनके तो बहुत प्यारे लोगों के दरमियान बैठे, इसमें मैं खाना खा रहा हूँ, इंतहाई खूबसूरत दिलकश। आप ये लम्हात एंजॉय कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मैं दोबारा से मतलब अपने, वैसे मैं जवान ही हूँ लेकिन दोबारा से मैं अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ को एंजॉय कर रहा। आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम यू आर एंजॉयिंग योर यूनिवर्सिटी टाइम। या दैट्स अ गुड थिंग। या पहले आप समझते रहे ये सिर्फ आसिफ के बाद क्या मत है, अब तो नैयर भाई के बाद ही क्या मत है। नैयर के बाद
ਕਦੀ ਗਰੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਮਨਾਂ ਇੰਜ ਬੰਨਿਆ ਯਾਰ ਕੋਈ ਕਟਾ ਹੋਏ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਮੈਂ ਇਨਕੋ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਹਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਆਜ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਔਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਇਨ ਲੋਗੋ ਕੀ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਸੇ ਲਈਰ ਭਾਈ ਕੋ ਹਮ ਯਾਰ ਪੇ SEO ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ और बहुत जल्द इंशाल्लाह ये बड़ा चीज़ों को ग्रिप में ले रहे हैं और बहुत जल्द ये इंशाल्लाह अपने सोलो प्रोजेक्ट्स कर रहे होंगे SEO के इंशाल्लाह अगर आप अपने YouTube का प्रमोट करवाना चाहते हैं तो मुझसे आप करें वाओ दैट्स अ गुड थिंग एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कि बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो ये अपने चैनल पर वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं मगर उनकी वीडियोज़ प्रमोट नहीं हो रही लाइक मी मेरी भी वीडियोज़ प्रमोट नहीं हो रही तो इंशाल्लाह नियर भाई मैं तो अब आपके साथ मेरा कॉन्टैक्ट हो चुका है इंशाल्लाह तो ये उसी वजह से आपको खाना आज हमारा मीटअप हुआ खाना खा रहे हैं उसी सिलसिले में इंशाल्लाह डाला तो अभी मेरा नियर भाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हुआ है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को प्रमोट करेंगे तो जिस भाई ने भी प्रमोट करवाना हो नियर भाई से कॉन्टैक्ट करें बहुत अच्छे ये हैं प्रमोशन सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं तो ये हम लोग साथ में हमारा ये भी हो गया कि कोटा जो रेस्टोरेंट है कोटा छिनवारी रेस्टोरेंट 6 रोड रावलपिंडी पर ये कोटा कैफ़े है उनका खाने का भी है हमने ऑर्डर किया हुआ है चिकन करेला जो कि अभी तक नहीं है आई थिंक सो बहुत स्लो सर्विस है तो बाकी इनके टेस्ट का कोई जवाब नहीं है बहुत अच्छा टेस्ट है इनका तो ये था हमारा फीडबैक सो स्टे कनेक्टेड विद अस थैंक यू सो मच गाइस अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़